मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी स्वास्थ्य विषय श्रृंखला हेल्थ केयर में। आज हमारी चर्चा जारी है मीजल्स यानी गौर बीमारी के बारे में, और जो विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है वे हैं अकोला निवासी डॉक्टर ठोसर जी। ये WHO कंसल्टेंट हैं। सर, अभी जब आप बता रहे हैं कि बीमारी एक बार हो जाती है तो फिर वापस होने की संभावना बहुत कम होती है, और यही हमारे एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है किसी बच्चे को टीका लगाने का, कि हम टीके से उसकी रक्षा कर सकते हैं। जी, तो इस जो गौर टीकाकरण के बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। गोवर के लिए टीके जो है वो गवर्नमेंट का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें मुफ्त उपलब्ध है, और बच्चे को 2 बार ये टीका लगाया जाता है। पहला जो डोज दिया जाता है वो 9 माह और 12 माह के बीच में पहला डोज लगाना चाहिए, और बाद में दूसरा जो डोज है वो 16 माह से 24 माह तक इसको दूसरा डोज बच्चे को लगाया जाता है। इसमें अगर कोई बच्चे को किसी कारण से अगर 12 माह के पहले पहला डोज नहीं लगाया जाता है तो इसको हम बाद में भी लगा सकते हैं। तो ये जो टीका है ये 5 साल तक के हम लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बच्चा 4 साल का है, 4 साल का है, उसको एक भी डोज नहीं मिला है, तो उसको हम 2 डोज लगातार 1 महीने के अंतर से 2 डोज लगा सकते हैं। पर मान लीजिए उसको एक 9 महीने मिला और समय नहीं मिला, राजू 4.5 साल में, 4.5 साल में तो दूसरा डोज लगाएंगे, तो उसको पहला डोज लगाने पहला डोज लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला डोज पहले हम वो ले चुका है और अब 4.5 साल का है तो 5 साल तक हम दे सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको दूसरा डोज लगाएंगे। तो 2 डोज जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि अगर बच्चे को एक ही डोज लगाया जाए ये गोवर के टीके का, तो जैसे 100 बच्चों को अगर हमने टीका लगाया तो उसमें से 85% को प्रोटेक्शन मिलता है, उनको गोवर होने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन जो 15% बचते हैं उनको हमने टीका तो लगाया है एक डोज, लेकिन उनको फिर भी गोवर होने का खतरा रहता है, और इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने 2 डोज का शेड्यूल बनाया है। तो दूसरा डोज अगर उसको लगाएंगे, किसी भी बच्चे को अगर 2 डोज मिल जाए तो उसको गोवर होने का खतरा नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि अक्सर पालकों की चिंता थी हमने डोज तो लगा ली फिर भी गोवर हुआ है। हाँ। तो इसीलिए, क्योंकि एक डोज लगाने के बाद हो सकता है, अगर आप 2 डोज लगाएंगे तो बच्चे को गोवर होने का डर नहीं रहेगा। जी सर, विज्ञान ने जहाँ इतनी प्रगति की है, हमने स्मॉल पॉक्स ने चेचक पे विजय हासिल कर लिया, अब ये रोग नहीं है, पोलियो अभी तकरीबन नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि अगर इसका गौर का जो खसरा है इसके ऊपर में अगर हम बराबर टीकाकरण करते हैं इसको भी हम पूरी तरह से खत्म कर सकते पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। इसका इराडिकेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है, जैसे आपने पोलियो का जिक्र किया, तो पोलियो हम लोग पोलियो को पूरी तरह मिटा चुके हैं, वो इसीलिए कि हर बच्चे को हम लोग पोलियो का डोज देने में कामयाब हो गए, और इसी वजह से हम पोलियो को मिटा सके। तो गोवर की वही बात है गोवर में भी, कि अगर हर बच्चे को अगर ये 2 डोज मिलते रहे तो एक दिन आएगा कि जब हम ये बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। मित्रों, विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि जो गौर का जंतु है मीजल्स वायरस, ये अपने आप में यूनिक है, एक ही तरह का वायरस है, क्योंकि जैसे फ्लू के वायरस होते हैं वो अपना स्वरूप बदलते रहते हैं, तो उनके ऊपर एक ही टीका कारगर नहीं होता है, लेकिन जो मीजल्स का वायरस है इसका स्वरूप सहसा चेंज नहीं होता है। तो अगर जैसे सर कह रहे हैं कि हर बच्चे को अगर ये टीका लगता है तो उस बच्चे में इस रोग के विरुद्ध प्रतिकारक शक्ति डेवलप होगी, अगर एक डोज उसके लिए पर्याप्त नहीं है उसको दूसरा डोज मिलता है, तो सर के अनुसार उसमें फिर उसकी जो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं के बराबर, बिल्कुल नहीं के बराबर। अब अगर ये बच्चा इसके अंदर में गौर के विरुद्ध प्रतिकार शक्ति है और हर बच्चा इस प्रतिकार शक्ति को लेकर घूम रहा है, तो अगर ये वायरस कहीं से किसी पर अटैक भी करता है तो हमारे सब बच्चे उसके प्रति सुरक्षित है। एक दिन ऐसा आएगा कि अगर ये वायरस अटैक भी करता है तो उसको हमारे देश में और शायद पूरे विश्व में कहीं जगह ही नहीं मिलेगी किसी बच्चे को वो बाधित कर सके। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि उसमें सिर्फ अपना जो वायरस है वैक्सीन वायरस वही रहेगा। तो ये जो वाइल्ड वायरस जिसको हम कहते हैं, जिससे बीमारी होती है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में आज भी कई देश है जहाँ पे अब ये बीमारी नहीं रही। अच्छा, टीकाकरण के वजह से। अच्छा, तो कई देश है, और हमारा देश भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये तो शुरुआत है, अभी जो 2011 से हम लोग ये दूसरा डोज इंट्रोड्यूस किए थे महाराष्ट्र में, तो धीरे धीरे पूरे देश में अभी हर बच्चे को 2 डोज मिलते हैं। तो ये प्रोग्राम अभी कई साल तक हम चलाएंगे, और अगर ये अच्छी तरह से प्रोग्राम चलेगा और उसमें अगर जनता का भी सहभाग हो कि वो अपने हर बच्चे को 2 टीके लगाएँ,
तो बहुत जल्दी हम इसका निर्मूलन कर सकते हैं। तो मित्रों, यहीं पर हमारे जितने दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे एक नम्र निवेदन है कि उनके जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं उन्होंने अपने बच्चों कम से कम 2 डोज दिलवाना सुनिश्चित करें, और अगर नहीं है तो पास पड़ोस में रिश्ते नातेदारों के बच्चे उन्हें यह डोज मिल जाए, ये इस तरह की वो सुनिश्चित कर लें। सर, जैसे मैंने कहा कि पोलियो पे हम लोग विजय पा सके और हम हमारे को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि इसमें विश्व की सर्वोच्च संस्था है WHO, उसका बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा योगदान, और उसके कंसल्टेंट के रूप में आप आज हमारे साथ में हैं। तो पहली बात तो हम आपका अभिनंदन करते हैं कि इतने महत्वपूर्ण कार्य को आपने अंजाम दिया है। थैंक यू। कि जो पुराने समय इतने लकवाग्रस्त अपंग बच्चों को देखते हैं, आज वो बच्चों को देखने को नहीं मिलते। नहीं मिलता। आप क्या मानते हैं कि हमारी इस इतनी बड़ी सफलता उपलब्धि के पीछे क्या राज है? जी, ये प्रोग्राम काफ़ी हद तक सफल हुआ और आज भी बहुत सफलतापूर्वक इसको हम चला रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी संस्थाओं ने अपना योगदान दिया, जैसे कि WHO के साथ साथ रोटरी का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। जो भी पोलियो के जो टीका है, जो पोलियो वैक्सीन है, जो पल्स पोलियो में इस्तेमाल होता है, तो ये पूरा रोटरी की तरफ से हमको मिलता है। उसके बाद में जो बच्चों के जो डॉक्टर्स हैं, बाल रोग विशेषज्ञ जो है, IAP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइज़र है, तो IAP के जो तज्ञ है, एक्सपर्ट्स है, विशेषज्ञ है, इन्होंने भी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। IMA है, लॉयंस है, मतलब जितने भी NGOs है, या किसी को भी आप रिक्वेस्ट करेंगे पोलियो के बारे में, पल्स पोलियो के बारे में, तो कोई ना नहीं कहेगा। तो इसमें काफ़ी सारे लोग इससे जुड़ गए थे, हर कोई भारतीय नागरिक इसमें जुड़ गया था। दूसरी बात यह है कि जो समाज का जो एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए किसी भी प्रोग्राम में, अगर गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम चलाती है और अगर उसको कम्युनिटी साथ ना दे तो वो प्रोग्राम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसमें यह देखा गया कि भारी संख्या में लोग इसको रिस्पॉन्स दे रहे थे, तो हर साल जो पल्स पोलियो का प्रोग्राम हम चलाते हैं तो इसमें बहुत कम बच्चा, बहुत ही एकाधा ही बच्चा उसमें रहता होगा, लेकिन ज़्यादातर, मतलब करीबन 100% बच्चों को हम लोग इसमें टीका दे सकते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, सरकार भी इसको बहुत अच्छी तरह से चला रही है, जो हेल्थ वर्कर्स है या आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, ग्रास रूट लेवल के जो है उनकी बड़ी मेहनत है इसमें, और बहुत मेहनत से दूर दराज क्षेत्रों में ये लोग पहुँचते हैं। तो ये प्रोग्राम जैसे 95 से शुरू हुआ, 1995 से, तो पहले केवल बूथ पे बूथ लगाते थे और बूथ पे बच्चों को लेके आते थे, लेकिन उसमें ये देखा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया कि 15% बच्चों को फिर भी हम दवा नहीं पिला रहे हैं, और इसका कारण है कि अगर कोई माँ बीमार है तो वो बूथ पर उसको ला नहीं सकती। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज किया कि पहले ये सैटरडे को होता था, शनिवार के दिन, फिर उसको रविवार छुट्टी का दिन। तो अगर माँ बीमार है और जा नहीं सकती तो घर में कोई जो पुरुष है वो भी बच्चे को लेके जा सकता है, क्यों छुट्टी है उस दिन, क्योंकि उस दिन छुट्टी है, काफ़ी सारे लोग घर में रहते हैं। तो ये एक बदलाव किया था, और दूसरा ये किया कि हर घर में टीम जाएगी, पूछेगी कि अगर कोई बच्चा पोलियो का टीका से वंचित है तो घर में उसको टीका दिलाएंगे। तो जब ये घर घर जाने का प्रोग्राम का जब बात हुई तो बहुत से जो एक्सपर्ट्स थे या बहुत से लोग थे दुनिया भर में, वो कह रहे थे कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ तो करोड़ों की तादाद में घर होंगे, तो हर घर में पहुँचना मुमकिन है क्या? लेकिन हमारे जो वर्कर्स है, ये ग्रास रूट का जो आप कह रहे हैं, आशा हो, आंगनवाड़ी हो, तो या फिर कॉलेज के लड़के भी इसमें या लड़कियाँ भी इसमें शामिल होते हैं, तो बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं, और हमने ये कर दिखाया है कि एक प्लानिंग होती है उसकी, और प्लानिंग के तहत टीम्स उसको हर घर को कवर करती है। कोई घर ऐसा नहीं होता कि जिस जो छूट जाता है, जो विजिट नहीं होता। तो आज भारत में जितने भी करोड़ों घर है वो सारे वर्कर्स विजिट करते हैं और सभी बच्चों को ये डोज मिलता है। तो सुनिश्चित कैसे करते हैं वहाँ पर विजिट हुई है करके? वहाँ पे मार्किंग होता है घर पे, मार्किंग होता है घर पे, और मार्किंग में अगर सारे बच्चे अगर दवा पी लिए, या फिर अगर कोई बच्चा है नहीं घर में तो उसको पी ये मार्किंग होती है, अगर कोई बच्चा का पता नहीं है कि उसको डोज दिया है या नहीं है तो उसको क्रॉस की मार्किंग होती है, एक्स की, और वो एक्स मार्किंग को दोबारा टीम विजिट करती है, हर तरह से कंफर्म करते हैं कि बच्चे को डोज मिला है कि नहीं मिला है। उसके बाद में जो भी बच्चे ट्रैवल में होते हैं तो उनके लिए बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, हर जगह पे बूथ्स लगाए जाते हैं,
ताकि जो सफ़र करने वाले बच्चे हैं वो भी छूटते नहीं हैं। या रेलवे स्टेशन में रेलवे डिपार्टमेंट के टीम्स रहती है जो चलती रेलवे में बच्चों को डोज पिलाती है। अगर सफ़र चल भी रहा तो भी बच्चों को डोज मिलेगा उस दिन, एक जो दिन मुकर्रर किया है उसमें सभी बच्चों को डोज मिलेगा। फिर और एक इसमें व्यवस्था है जिसको कहते हैं मोबाइल टीम्स। तो जैसे खेतों में अगर कोई एक झुग्गी झोपड़ी है और जहाँ पे कोई बच्चा है उसके आसपास कोई बूथ नहीं है, तो फिर भी टीम वहाँ पर जाके उस बच्चे को दवा पिलाती है। तो ये मोबाइल टीम्स जैसे ईंट भट्टे है या झुग्गी झोपड़ियाँ है, तो इन सभी को विज़िट करते हैं और सारे बच्चों को डोज पिलाते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है और लोगों के तरफ से भी इस प्रोग्राम को रिस्पांस बहुत अच्छा है। सो दोनों तरफ से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आज भी चल रहा है, करीबन 20-22 साल हो गए, आज भी बहुत अच्छे तरीके से अच्छे क्वालिटी का ये प्रोग्राम है हमारे देश में। तो सर इसके लिए तो मैं आपको बधाई का पात्र मानता हूँ। धन्यवाद मित्रों। हम लोग जो सामने चित्र देख रहे हैं कि ये पोलियो का केस नहीं है, पर सर जिस तरह बता रहे कि पर्दे के पीछे से उसकी जो योजना बनाई जाती है और योजना को जिस तरह कार्यान्वित किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ये कितनी मेहनत का काम है। सर ने इसका पूरा श्रेय पूरी टीम को दिया है जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं, पर इन वर्कर्स को मोटिवेट करना, उनको उस तरह से प्रोत्साहित करना, ये सर जैसे एक्सपर्ट लोगों का काम है। सर ने बताया कि इसमें जनता जिसके लिए डोज दिया जा रहा है, जिसके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है, जनता का इसमें पूरा सहभाग मिला है। पर किसी भी सरकारी कार्यक्रम को, खासकर स्वास्थ्य विषय कार्यक्रम को, जनता तक पहुंचाना, उसे उनके समझा के उनसे पूरा सहकार्य लेना, ये बहुत आसान काम नहीं है और इस काम को अंजाम दिया सर जैसे एक्सपर्ट लोगों ने। तो सर सिटी चैनल की तरफ से हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि शायद अगले प्रोग्राम में हम मेजर्स के बारे में ये बात करेंगे सर आपने मेजर्स को ऐसे गायब कर दिया। सर पर फिर जो दूसरा प्रश्न आता है, जैसे आप बता रहे हैं कि इस साल भी हमने जनवरी में पोलियो दिया, अभी अगले 2 अप्रैल को भी हम पोलियो डोज दे रहे हैं, तो अब इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता ये है कि अगर जैसे हमारे देश में तो 2011 के बाद कोई पोलियो केस मिला नहीं है, मतलब आज लगभग 6 साल हो गए हमारे देश में एक भी पोलियो का केस नहीं पाया गया। लेकिन अभी पूरे विश्व में से पोलियो ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नाइजीरिया है, इन देशों में आज भी पोलियो के कुछ केस पाए जाते हैं। तीन देश बचे हैं अभी। और ये वायरस जो है, जिसको वाइल्ड वायरस कहते हैं, जिससे बीमारी हो सकती है, वो आज भी जिंदा है वहाँ पर। तो लोगों का जो आना जाना, जो यातायात है, तो उसमें से उसके साथ साथ जो वायरस है वो हमारे देश में कभी भी आ सकता है। और अगर हम लोग इस जो टीकाकरण का कार्यक्रम है इसको बंद कर दें तो हमारे बच्चों को खतरा होगा। अगर वो वायरस हमारे देश में आता है तो वो बुरी तरह से फैल सकता है। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया, तय किया कि इस प्रोग्राम को अभी हम बंद नहीं करेंगे, कुछ सालों तक ये प्रोग्राम हम चलाएंगे। तो इसमें जैसे रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है, टीकाकरण, बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उसको हम टीका लगाते हैं, पैदा होने के बाद तुरंत 15 दिन के अंदर एक बार पोलियो की खुराक पिलाई जाती है, उसके बाद 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना 3 डोज दिए जाते हैं और 16 महीने के बाद में और एक बूस्टर दिया जाता है। और हर साल 2 बार पल्स पोलियो का जो प्रोग्राम चलता है उसमें 2 एडिशनल डोज, मतलब पहले उसका टीकाकरण हो या ना हो, उसको ये 2 डोज एडिशनल डोज जरूर मिलते हैं। तो इस साल भी ये चल रहा है, 29 जनवरी को पहला डोज पिलाया गया, पहला राउंड हुआ, और अब 2 अप्रैल को दूसरा राउंड होगा। तो हर राउंड में ये दवा बच्चों को पिलाना ज़रूरी है। अगर बच्चों को ज़्यादा डोज भी पिलाया आपने, जैसे 10 बार 15 बार बहुत बार डोज पिलाए जाते हैं, तो इससे कोई खतरा नहीं है, इससे कोई डरने की बात नहीं है, बच्चों को फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। पर नहीं पिलाए तो नुकसान हो, नहीं पिलाए तो नुकसान हो सकता है। जरूर मित्रों, हमारे सभी दर्शकों से एक हमारी अपील है कि अभी जो 2 अप्रैल को पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू है, जिसमें हर 5 साल से कम बच्चों को पोलियो डोज देना जरूरी है, ये अवश्य दिलवाएं। और जैसे हमने खसरे के टीके के लिए कहा कि अगर हमारा बच्चा 5 साल से ऊपर हो गया, हमारे घर में बच्चा नहीं है, तो पास पड़ोस में देखें, हर तरह से सुनिश्चित करें कि हमारे आसपास के एरिया में हर बच्चे को डोज मिलना जरूरी है। सर ने बताया कि सरकार की अब इतनी कोशिश होगी, अगर बच्चा घर पे नहीं आ, बूथ पे नहीं आ रहा, तो सरकार वहाँ जाके उसे डोज दे रही है। अगर वो सफ़र में, आवागमन में, यातायात में भी है, तो सरकार की हर तरह से कोशिश है कोई बच्चा इस डोज से वंचित न रह जाए। तो फिर ये आपका हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सरकार को उतना सहयोग दें, और अगर ये हम देते हैं तो उसका हमें सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट मिला है कि 89 के पहले जब इतने पोलियो के केसेस देखते थे, बच्चों को अपंग देखते थे, आज वह चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। और अगर यही स्थिति बनी रही तो हो सकता है कि हम कुछ सालों बाद
शायद ये डोज देने की भी जरूरत नहीं पड़े। सर मैं अभी हम चर्चा के अंतिम दौर में है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक्सपर्ट्स जो आते हैं हम उनके स्वभाव का उसके पर्सनैलिटी का एक ऐसा पहलू हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं जो सहसा उनको दिखता नहीं है, तो ये उनके लिए जानकारी का काम करते हैं, साथ साथ में एक मोटिवेशन का भी काम करते हैं, आपसे प्रेरित होते हैं। मैं जैसा आपसे मेरा आप मित भाषण कम से कम बोलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, और आपका सबसे बड़ा जो गुण मैं देखता हूँ वो समय की पाबंदी है। अब जब इतना बड़ा प्रभाग आप संभालते हैं, जो फैक्ट्स फिगर्स आपके उंगलियों पे होते हैं, कंठस्थ होते हैं, इतना सब बिजी होने के बाद आप ये समय की पाबंदी कैसे लागू करते हैं? ये तो मैंने आदत डाल दी है, क्योंकि जब भी मैं काम के लिए निकलता हूँ, जैसे कहीं अगर 9 बजे आपको पहुँचना है तो रास्ते में कभी ये हो सकता है कि ट्रैफिक जाम हो या और कोई समस्या हो, तो उतना एक आधे घंटे का समय पहले ही मैं निकलता हूँ और वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। तो ये मुझे एक आदत पड़ गई है कि मैं कभी लेट नहीं पहुँचता हूँ, समय पे पहुँचता हूँ, तो वो एक आदत से बनी हुई है। और जैसे आपको मीटिंग सब इतनी एग्जीक्यूट करनी होती है, सब मीटिंग इतनी कई जगह आपकी एक ही साथ में कई मीटिंग होती है, कई होती है, तो उसका हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हमको कहाँ कब जाना है, ट्रैवल को कितना टाइम लगेगा, किस चीज़ को कितना टाइम लगेगा, तो इसको हम कैलकुलेट करके वो हिसाब से हमारा काम, हमारा दिन का काम शुरू करते हैं, तो इसीलिए जनरली लेट होता नहीं है और स्ट्रेस भी नहीं आता, स्ट्रेस भी नहीं आता, और प्रॉपर प्लानिंग के वजह से वो हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा मंत्र आप दे रहे हैं जी। मित्रों, जो हमारे दर्शक खासकर युवा दर्शक देखते हैं और जिन्हें समय की कमी एक बहाना लगता है, उनके लिए सर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि अगर हम समय से पहले उस बात का नियोजन कर लें, मैनेजमेंट कर लें, मन की तैयारी कर लें, और पहले से अगर पूर्व तैयारी साथ में रहो तो दिन के जो 24 घंटे हैं उसका भलीभांति उपयोग कर सकते हैं, और एंड टाइम की जो हड़बड़ी और जल्दबाजी होती है उसके कारण से जो हमारे अंदर तनाव उपस्थित होता है उससे हम शायद बच सकते हैं। मित्रों, आज हमने बच्चों, छोटे बच्चों में होने वाली एक बहुत ही खतरनाक बीमारी मेजर्स और साथ ही साथ पोलियो से संबंधित जानकारी डॉक्टर ठोसर जी से हासिल की है। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कार्यक्रम आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन कार्यक्रम के बारे में आखिरी प्रतिक्रिया आपकी और सिर्फ आपकी होगी, इसलिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमसे प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप से हमें मैसेज कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए हम हमेशा शुभकामनाएं देते हैं कि आपका भविष्य वर्तमान से ज़्यादा सुखद और स्वास्थ्यवर्धक हो, लेकिन साथ ही हमारी अपील होती है कि जो खुशी और आनंद आपको मिल रहा है उसे अपने तक सीमित न रखें, आसपास में बांटें। जितना आप खुश होंगे आसपास का वातावरण खुश होगा, ये खुशी और बटेगी। जिन संक्रामक बीमारी की हमने बात की है तो खुशी भी उतनी ही संक्रामक है, जितनी आप बांटोगे उतनी ज़्यादा बटेगी। समय की सीमा हम इशारा कर रहे हैं कि अभी आपसे विदा का वक्त हो गया है, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विशेषज्ञ के साथ एक नए विषय पर आपसे फिर मुलाकात होगी, और सर एक बहुत ही रोचक विषय पर जितने आसान ढंग से आपने हमारे दर्शकों को जो मार्गदर्शन किया उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।